यूपी में हिंसा भड़कने की घटना से अलर्ट मोड पर सरकार। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्ती से निपटने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में माफिया और दंगाइयों के खिलाफ जारी रहेगा बुलडोजर अभियान। उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। यूपी में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को दिए गए फ्री हैंड। सीएम योगी बोले फील्ड अफसर खुद ले फैसला। उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना उपद्रवियों से वसूला जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में सीसीटीवी के जरिए जल्द होंगी और गिरफ्तारियां। सीएम योगी का सख्त निर्देश। माफिया को संरक्षण देने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सीएम योगी ने कहा भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। हिंसा के बाद एक्शन में सीएम योगी। यूपी में अब तक 255 आरोपी गिरफ्तार। 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज। हिंसा के बाद दंगाइयों के खिलाफ एक्शन में यूपी पुलिस। सहारनपुर में पत्थरबाजों पर पुलिस सत्ता पर तोड़ डंडे बरसाए। सहारनपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 64 उपद्रवी गिरफ्तार। 2 आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रयागराज हिंसा मामले में 64 आरोपियों को सेंट्रल जेल नैनी भेजा गया जबकि 4 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। राज्य हिंसा की जांच करेगी 2 सदस्यीय कमेटी। सीएम हेमंत सोरेन ने हर हफ्ते भर में रिपोर्ट मांगी है। रांची में धारा 144 के बीच अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। शहर में आज भी बंद रहेगा इंटरनेट। रांची में सोची समझी साजिश के तहत हुई हिंसा। रेलवे ट्रैक से लाए गए थे पत्थर। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद मामले में जल्द होगी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों की पहचान की गई। पैगंबर विवाद पर बंगाल में बवाल जारी। हावड़ा के बाद मुर्शिदाबाद में भी तोड़फोड़ और आगजनी। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर इलाके में तनाव बरकरार। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद की गई। हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा हिंसा में 53 आरोपियों को 14 दिन की जेल भेजा गया। पुलिस के साथ मारपीट करने, लूटपाट, आगजनी समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। कानपुर हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड पूर्व एसपी नेता निजाम कुरैशी गिरफ्तार। निजाम पर व्हाट्सएप के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप लगा। कानपुर हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ। पूर्व एसपी नेता निजाम कुरैशी ने हयात हाशमी के साथ मीटिंग करके बंद का ऐलान किया था। प्रयागराज हिंसा में आफरीन फातिमा को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की बेटी हैं आफरीन। प्रशासन ने घर खाली करने के भी निर्देश दिए। मुरादाबाद में 25 दंगाइयों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ में खुल सकता है साजिश का राज। देश भर में हुए उपद्रव पर ओवैसी का बयान। कहा पहले नुपुर शर्मा की होनी चाहिए गिरफ्तारी। कानून के तहत सरकार को एक्शन लेने की जरूरत। गुजरात के भुज में ओवैसी ने कहा लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए हिंसा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, हिंसा न होने दें। ओवैसी ने थाने में उपद्रवियों की पिटाई पर उठाए सवाल। ओवैसी ने उपद्रवियों को बताया बच्चा। औरंगाबाद से AIMIM सांसद इम्तियाज जलील का विवादित बयान आया सामने। कहा नुपुर शर्मा को मिलनी चाहिए फांसी। औरंगाबाद के ऐसे चौराहे पर देनी चाहिए फांसी। यूपी में दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। मानवाधिकार हनन और हिरासत में मौतों को लेकर भी सवाल उठाए गए। मुरादाबाद में आरोपियों की पैरवी करने पहुंचे सपा विधायक का पुलिस से सामना। विधायक कमाल अख्तर को तुरंत पुलिस लाइन छोड़ने की हिदायत दी। यूपी के हाथरस में दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन। अब तक 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हिंसा के मास्टरमाइंड की शिनाख्त। पुलिस ने आरोपी फराज इमाम को गिरफ्तार किया। अभी तक 26 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। यूपी के फतेहपुर में अलर्ट मोड पर प्रशासन। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद। महबूबा मुफ्ती ने योगी सरकार पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा यूपी में चल रही कंगारू। महबूबा मुफ्ती का योगी सरकार पर हमला। कहा बेगुनाह मुसलमानों पर चल रहे बुलडोजर। न्यायपालिका तमाशा देख रही है। नुपुर शर्मा पर भड़काऊ वीडियो बनाने पर कश्मीर का यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर भीड़ को उकसाया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन भेजा। 22 जून को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में होना होगा पेश। बायधुनी पुलिस स्टेशन में 25 जून को पेशी होगी। वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का आज दूसरा दिन। ज्ञान वापी, घर वापसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर चर्चा। धर्म के नाम पर हो रही पत्थरबाजी से संत समाज नाराज हुए। वीएचपी की बैठक में कहा कि शरीयत के साथ शराफत का पालन भी करना चाहिए।
मथुरा में नुपुर शर्मा के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ, धर्म रक्षा संघ के साधु संतों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी गुजरात में नए संगठन की आज करेगी घोषणा, गुजरात प्रभारी सांसद संदीप पाठक अहमदाबाद जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटी है ममता बनर्जी, आठ मुख्यमंत्रियों समेत विपक्ष के 22 नेताओं को लेकर चिट्ठी, 15 जून को दिल्ली में बुलाई गई बैठक। लगातार तीसरे साल नहीं होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, नोडल एजेंसी को नहीं मिले तैयारियों के निर्देश। दिल्ली के रोहिणी में ब्रह्म शक्ति अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगी, आग लगने से एक मरीज की मौत। आईसीयू वार्ड में आग लगने से अस्पताल में भर्ती मरीजों में मचा हड़कंप, मरीजों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। दिल्ली में सरकारी जमीन पर चल रहे निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना हो सकता है महंगा, 2 साल बाद फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में आज हीट वेव से रहेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना कम। नोएडा के सेक्टर 135 में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को किया गया ध्वस्त। कानपुर में चला डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर, बिल्डर मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग पर चला पीला पंजा, हयात के करीबी हैं इश्तियाक। लखीमपुर खीरी में अपराधियों के अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, कुख्यात अपराधी महबूब अली समेत 9 अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला। झांसी में बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन को खाली कराया गया, करीब 1 एकड़ जमीन पर था अवैध कब्जा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस लाइन में रिहर्सल की गई, बूथ कैप्चरिंग और दंगाइयों से निपटने की तैयारी। यूपी के भदोही में निजी अस्पताल में दबंगों ने मारपीट की, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को भी पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 बाइकों के बीच भिड़ंत हुई, एक शख्स की मौत हो गई, भीषण हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरेआम हुई चाकूबाजी, आरोपियों ने एक शख्स को दौड़ाकर मारी चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सहकारिता विभाग के ऑफिस में जुआ खेलने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी, वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भीषण गर्मी में पानी की समस्या, पानी की तलाश में भटक रहे लोग तालाब के गंदे पानी से गुजारा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 20 से ज्यादा हाथियों ने उत्पात मचाया, त्योगहिन गांव को तहस नहस किया, घरों से बाहर ग्रामीणों में दहशत का माहौल, ग्रामीणों ने जान अपनी बचाई। उदयपुर में सड़क हादसों को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे को जाम किया गया। राजस्थान के बीकानेर में शराब की दुकान का विरोध हुआ, महिला ने दुकान के बाहर प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर नारेबाजी की। मुजफ्फरनगर में मासूम के कातिल को पुलिस ने पकड़ा, हत्या में इस्तेमाल तलवार की तलाश, सीसीटीवी से पहचान की। गोरखपुर में अज्ञात महिला ने खड़ी कार में आग लगाई, निजी क्लिनिक के पास खड़ी कार को आग के हवाले किया, आग लगाने की घटना सीसीटीवी में हुई है। राजस्थान के झालावाड़ में अस्पताल के बाहर से बाइक की चोरी, सीसीटीवी में बाइक चोरी करते हुए कैद हुआ चोर। राजस्थान के झुंझुनू में कार सवार युवकों ने बस स्टैंड पर उत्पात मचाया, पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग, आग बुझाने में 55,000 लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद। आज नोएडा दौरे पर रहेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा सरकार की मानसिकता किसान विरोधी, किसान आंदोलन के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। बहराइच में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत आई सामने, पैसे के लेन देन में हुए विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या की। बाराबंकी में कोतवाली में तैनात दरोगा ने होमगार्ड को जमकर पीटा, होमगार्ड को दरोगा ने गोली मारने की धमकी दी। बिजनौर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर बदमाशों ने लूटपाट की, लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के बागपत में मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध, वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बतौर तहसील पर प्रदर्शन किया। आज जारी होगी महापौर प्रत्याशियों की सूची, शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में महापौर प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। एमपी में 112 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का रहा दबदबा, 75 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंच।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सीहोर के 54 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। ग्वालियर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा। पुलिस ने छापा मारकर आपत्तिजनक हालात में 3 युवतियों समेत 11 लोगों को पकड़ा। भोपाल में छेड़खानी का विरोध करना महिला को पड़ा महंगा। बदमाशों ने महिला के चेहरे पर ब्लेड से किया हमला, महिला गंभीर रूप से घायल। दतिया के सेवड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। नीमच में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पंचायत चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया जाना था। एमपी के भिंड में फांसी के फंदे पर लटके मिले एक ही परिवार के 3 शव, पति पत्नी और बेटे के सुसाइड करने की आशंका। पुलिस जांच करने में जुटी। धार में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। घर के आंगन में सो रहे परिवार पर तेंदुए ने हमला किया, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हुई मानसून की पहली बारिश। महिलाओं ने बारिश की बूंदों को मां गंगा का रूप मानकर पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए फिर नई व्यवस्था लागू की गई। 1100 रुपए दान देकर भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। नीतीश कुमार नहीं होंगे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार। जेडीयू के राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। जेडीयू के अंदर से राष्ट्रपति बनाने की उठ रही थी आवाज। 75 साल के हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना में राबड़ी आवास पर। लालू ने मनाया जन्मदिन, पूरा परिवार वहां मौजूद। बिहार के कई जिला जेल में छापेमारी। हर बैरक की ली गई तलाशी, कई जगह आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग की। कहा डोनबास में युद्ध जारी रखने के लिए यूक्रेन को हथियारों की है जरूरत। डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच जारी है भीषण जंग। बमबारी के बीच लोग कर रहे हैं पलायन। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में भी रूसी सेना लगातार कर रही है गोलीबारी। यूक्रेन लड़ाके को दे रही है मुंह तोड़ जवाब। रूसी सेना ने खरसौन में शुरू की बमबारी। मिसाइल हमले से एक खेत में लग गया। कई अनाज गोदामों को पहले भी किया जा चुका है तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी। दोनों तरफ से जारी है वार पलटवार। रूस की सेना को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। रूस की सैन्य टुकड़ी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। बख्तरबंद कर्मियों के वाहन पर गिराया गया बम। धू धू कर चला अटैक। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिक संभाल रहे हैं मोर्चा। दुश्मन सेना पर लगातार दाग रहे हैं मोर्चा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज कटक के बाराबती स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मैच सीरीज में बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम का ऐलान। लवलीना निखत जरीन नीतू जैस्मीन को टीम में मिली जगह। इंग्लैंड के बर्मिंगम में 28 जुलाई से शुरू होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बाबर आजम ने पिछले 9 मैचों में 50 रन से ज्यादा का हर मैच में बनाया स्कोर। फ्रांस में आयोजित पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लखेरा को मिला गोल्ड। जयपुर की गोल्डन गर्ल अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी की हुई धीमी शुरुआत। ओपनिंग डे पर फिल्म ने सिर्फ 43 लाख रुपए का बिजनेस किया। फिल्म टाइगर 3 का धमाकेदार टीजर जारी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन करती नजर आई कैटरीना कैफ। अगले साल ईद पर रिलीज होगी फिल्म। हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर का आधा चेहरा हुआ पैरालाइज। बीमारी के कारण आंख भी ठीक तरह से नहीं खोल पा रहे जस्टिन। जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का दुनिया भर में धमाल। भारत में 2 दिनों में कुल 22 करोड़ 97 लाख रुपए का बिजनेस किया।